हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूक्लिकम फोरम। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं 10 न्यूमेरिकल्स एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके पहले के जो वीडियोस में हमने पढ़े थे वो थे 10 न्यूमेरिकल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, ठीक है। अब एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको पहले आप थियोरेटिकली पढ़े, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज का जो न्यूमेरिकल है ये सिक्वेंस वाइज 36 है और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो सॉल्व करते इसे। 36 न्यूमेरिकल में कहा है कि 0.1132 मोलल सॉल्यूशन, यानी आपको मोलालिटी दी है, ठीक है। तो हम 36 के न्यूमेरिकल में गिवन में फर्स्ट पॉइंट हम लिख देते हैं, मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हम इसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट स्मॉल एम से, जो कि मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वो दिया है आपको 0.1132 मोलल, ठीक है, या फिर स्मॉल एम भी लिख सकते हैं आप। ऑफ अ सब्सटेंस बॉइल्स एट, वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, आप जैसे स्टेटमेंट पढ़ रहे हो उसमें पता चल रहा होगा आपको, तो यहां पर हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम टीबी से, ठीक है, और जो आपको दिया है 373.21 केल्विन में दिया है, तो सिंपल है, डिग्री सेल्सियस में होता तो ये आपको कन्वर्ट करना पड़ता था। कैलकुलेट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने थ्योरी में देखा होगा, केबी से, और ये आपको कैलकुलेट करना है। एक्चुअली इसका वैल्यू हमें पता है बट फिर भी हमें कैलकुलेशन करना है। ध्यान रहे, जो वैल्यू आपको केबी का पता है वही आंसर आएगा, ज़रूरी नहीं, बट वो आंसर के पास में आपका आंसर आना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि केबी का वैल्यू आपको पता है, मैं अभी बताऊँगा नहीं, आंसर आएगा तो वैसे फिर मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा, ठीक है। आपका जो केबी का वैल्यू है वाटर के लिए उसके आसपास में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। देन आपको गिवन डेटा में एक पॉइंट दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाटर का दिया है, तो हम यहां पर लिखेंगे वाटर एज अ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट इज वाटर। हम इसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स टीबी नॉट से या फिर टीबी ओ से, और वो दिया है आपको हाउ मच 373.15, या फिर गिवन डेटा में नहीं भी दिया होगा तो भी आपको ये वैल्यू लेना है। अब आपके पास में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्यों ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम कैलकुलेट कर ले, ठीक है। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू, डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, फॉर्मूला है टीबी माइनस टीबी नॉट या फिर टीबी माइनस टीबी जीरो, ठीक है। अब टीबी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 373.21 माइनस 373.15, ये है टीबी नॉट का वैल्यू। अब हम इस वैल्यू में से उस वैल्यू को जब हम माइनस करते हैं तो 15 और 0.21 में क्या डिफरेंस आता है, 0.06 का, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप, 0.06। अगर आप ये सब्सट्रैक्ट करते भी है तो देखिए मैं आपको करके देता हूँ, आपको एक्चुअली पता है बट फिर भी कोई कन्फ्यूजन ना रहा है इसलिए 15। अब 11 में से 5 गए तो 6 बजते, वापस दिया तो ये 0 गए, चले ये 0.00, तो 0.06 मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ये हुआ आपका डेल्टा टीबी का वैल्यू जो कि केल्विन इसका यूनिट रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास में डेल्टा टीबी है, केबी का भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और मोलालिटी आपको दिया है, तो क्यों ना अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करें। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू एम, ठीक है, ये मोलालिटी के फॉर्म में है, बड़ा फॉर्मूला फिलहाल अभी अप्लाई नहीं करना है। केबी आपको कैलकुलेट करना है तो मोलालिटी को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, देयर फोर केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन एम, ठीक है, देयर फोर केबी इक्वल्स टू, अब हमें वैल्यूज पुटअप करना है, आपने फॉर्मूला लिख लिया, चेंजेस किए, अब हमें वैल्यू पुटअप करना है, डेल्टा टीबी का वैल्यू है 0.06 डिवाइडेड बाय, मोलालिटी आपके पास में है 0.1132,
अब मैं थोड़े से चेंजेस करता हूँ स्टूडेंट्स, कैसा 0.1132 को पॉइंट में ना लिखते हुए मैं 1132 इंटू 10^-4 लिखता हूँ। ये 10^-4 ऊपर जाएगा यानी न्यूमरेटर में जाएगा, ये हो जाएगा 0.06 इंटू 10^+4 डिवाइडेड बाय 1132। अगर मैं 0.06 को 10^4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होता है 600 डिवाइडेड बाय 1132। अब आप लॉग कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको केबी का वैल्यू मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको 600 का लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 600 का लॉग आता है 2.7781 और 1132 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे जो कि आता है 3.0538। अब सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 12.7243 और आपका अभी मेन आंसर आता है 0.53। यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स केल्विन, केजी, मोल, इनवर्स, ये यूनिट्स लिखना ना भूले। मैं आपको हर न्यूमरिकल में ये आगाह कर रहा हूँ बट आप इसे भूले मत, हर वैल्यू का यूनिट अगर है तो लिखना ज़रूरी है, इसके ऊपर भी मार्क्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सी न्यूमरिकल नंबर 37। ये न्यूमरिकल मैं थोड़ा सा जानबूझ के थोड़ा सा टफ रख दिया मैंने सेकंड नंबर का ही, तो आपको आपको बिना शिकवना पे चलो स्टूडेंट देखते हैं न्यूमरिकल नंबर 37 न्यूमरिकल में कहा है अ सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरस प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.0175 किलोग्राम ऑफ फास्फोरस। यानी पहले स्टेटमेंट में आपको यह पता चल जाता है कि सोल्यूट का वेट आपको दिया है और सॉल्वेंट के इतने वेट में उसने डिसॉल्व किया, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 37 न्यूमरिकल में गिवन में फर्स्ट पॉइंट वेट आपको दिया है किलोग्राम में, सो वेट ऑफ सोल्यूट हम लिखेंगे और यहां पे सोल्यूट है फास्फोरस, ठीक है। हम इसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स डब्ल्यू बी से और जो कि आपको दिया है 0.0175 किलोग्राम। अगर आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10^3 लगेगा और ये हो जाएगा 3 डिजिट्स राइट में शिफ्ट, तो 17.5 ग्राम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट सॉल्वेंट का आपको वेट दिया है तो वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड, डिनोट करेंगे हम इसे डब्ल्यू ए से और वो दिया है 0.8 किलोग्राम। ध्यान रहे स्टूडेंट्स इसके पहले जो हमने लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमर का सॉल्व किए हैं उसमें सॉल्वेंट का वेट आपको ग्राम में लेना पड़ता था अगर भले ही किलोग्राम में दिया हो क्योंकि वहां पे मोलर मास था सॉल्वेंट का। यहां पे बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमरिकल्स में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमरिकल में और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमरिकल में मोलालिटी का इस्तेमाल होता है और मोलालिटी में जो सॉल्वेंट का वेट होता है वो किलोग्राम में होता है, तो किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट ना करें सॉल्वेंट के वेट को, सोल्यूट के वेट को कन्वर्ट करना है क्योंकि मोलर मास सोल्यूट का दिया होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ थर्ड पॉइंट हैज अ बॉइलिंग पॉइंट यानी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हम इसे डिनोट करेंगे टी बी से और वो दिया है 319.87 केल्विन। इफ केबी फॉर CH2, अब केबी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसके तीन नाम होते हैं, पहला होता है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, दूसरा होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और तीसरा होता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आपको CH2 के लिए दिया है जिसको डिनोट करते हैं हम केबी से और वो दिया है 2.4 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ एंड एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस, ठीक है, एटॉमिक मास दिया है फास्फोरस का, ये पहला ऐसा न्यूमेरिकल है जहां पे एटॉमिक मास दिया है ना कि मोलर मास। सो एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस हम इसे डिनोट करते हैं ए से या फिर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा और वो दिया है स्टूडेंट्स कितना 31 ग्राम, ठीक है। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फरस, ओहो चलो अच्छा न्यूमरिकल ये, आपको फॉर्मूला फाइंड करना है फॉस्फरस का,
क्वेश्चन मार्क। ब्रैकेट में आपको दिया है बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट इज CS2। हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट इसे टीबी नॉट से या फिर टीबी ओ भी बोल सकते हैं आप, वो है 319.45 केल्विन। ठीक है, अब आपके पास में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का भी है, तो क्यों ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी हम कैलकुलेट कर ले। तो 8th पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट या फिर टीबी जीरो। ठीक है, टीबी कितना है स्टूडेंट्स 319.87 माइनस 319.45, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन अगर आप माइनस करते हैं तो वो आता है 0.42 केल्विन। अब मैं कैलकुलेट करके नहीं दूंगा, आपको कैलकुलेशंस आते होंगे। तो डेल्टा टीबी का वैल्यू आ गया है। अब एक्चुअली न्यूमेरिकल को समझ लीजिए, आपको फॉस्फोरस का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, इसका मतलब एक्चुअली आपको क्या फाइंड आउट करना है। देखो, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इनको हम दो बार लिखते हैं N2, O2, Cl2, F2 वगैरह। जो नोबल गैसेस है उनको एक ही बार लिखते हैं, हेलियम, न्यून, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये एक बार, इनको कहते हैं मोनोएटॉमिक। जिनको दो बार लिखा जाता है वो डायएटॉमिक होते हैं, जिनको तीन बार लिखा जाता है जैसे ओजोन हो गया O3, तो ये ट्राइएटॉमिक। तो ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको चार बार, पाँच, छः बार ऐसा अगर लिखते हैं तो वह एटोमिसिटी होता है। तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि फॉस्फोरस को कितनी बार लिखा जाता है, अल्टीमेटली फॉस्फोरस का एटोमिसिटी आपको कैलकुलेट करना है। और एटोमिसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉस्फोरस का जो फॉर्मूला अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय एटोमिक मास। आपके पास में एटोमिक मास तो है 31 ग्राम, बट मोलर मास नहीं है। तो हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल में इनडायरेक्टली कहा है कि आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 9th पॉइंट लिख दे रहा हूं मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज फॉस्फोरस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो आप कंफ्यूज्ड ना हो। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो मैं लिखता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए होता है इन के जी में। एक्चुअली ये फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करने के पहले आपको एम बी कैलकुलेट करना है तो उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और डेल्टा टी बी को राइट में शिफ्ट करेंगे। देयर फोर एम बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये होता है स्टूडेंट्स इन के जी। अब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे, ठीक है, चलो वन बाय वन वैल्यूज पुटअप करते हैं। के बी का वैल्यू आपके पास में है, चलो फाइंड आउट करें कहाँ है के बी, के बी के बी के बी आपको दिया है, ये है 2.4। ठीक है, देयर फोर एम बी इक्वल्स टू 2.4 इंटू के बी के बाद में है डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी कहाँ दिया स्टूडेंट्स, ये है 17.5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी और डब्ल्यू ए। डेल्टा टी बी तो आपने कैलकुलेट कर लिया, ये है 0.42, और डब्ल्यू ए जो है इन के जी में तो वो है 0.8। थोड़ा सा पॉइंट को चेंजेस कर देते हैं, 2.4 को हम लिखेंगे 24 इंटू 10^-1, और 17.5 को लिखेंगे 175 इंटू 10^-1। तो 10^-1, 10^-1 ये हो जाएगा 10^-2 डिवाइडेड बाय, इसे लिखेंगे हम 42 इंटू 10^-2, और 0.8 को लिखेंगे 8 इंटू 10^-1। तो 10^-2, 10^-1 ये हो जाएगा 10^-3, ये हो गया -3। ओके, 10^-3 को हम ऊपर में यानी न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10^+3, और 10^+3 और 10^-2 ये हो जाएगा कैंसल, बचेगा 10^1, और इसे हम डिवाइड कर लेंगे। तो 8 3 24 मल्टीप्लाइड बाय 175 डिवाइडेड बाय 42
इंटू 10^1, इसे हम थोड़ी देर के लिए बाहर ही रखते हैं। अब हम 175 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 0 लगा देंगे, ठीक है। देन 5 3 15 कैरी 1, 7 3 21 प्लस 1 22 कैरी 2, 3 1 3 2 5, इट्स अ 525। ये 10^1 का ये 0 डिवाइडेड बाय 42। अगर आपको 42 का टेबल आता है तो इसका आंसर आता है 125। आपको यहाँ पे लॉग कैलकुलेशन की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि 42 का डायरेक्ट डिवीज़न में यानी होता है, तो MB आ गया या आया ग्राम में। अब हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरस इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस। अब मोलर मास तो आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आया 125 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास आपने लिखा है दैट इज 31, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका डिवीजन होता है डायरेक्ट 4 में, तो ये है आपका फॉस्फोरस का फॉर्मूला। इसीलिए फॉस्फोरस को टेट्रा एटोमिक कहा जाएगा और इसे लिखा जाएगा P4 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के न्यूमरिकल अगर आपको आते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकालते जाइए और आप बुक में लिखते जाइए। मुझे नहीं लगता आपको आपकी कभी क्लास भी लगाने की जरूरत पड़ेगी, आप ये न्यूमरिकल्स को फॉलो कीजिए, आपको कोई न्यूमरिकल में स्टेट बोर्ड की दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट न्यूमरिकल नंबर 38 न्यूमरिकल में कहा है स्टूडेंट्स 0.5126 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है, यानी आपको सोल्यूट का फिर से वेट दिया है। तो 38 न्यूमरिकल के गिवन में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट एंड दैट इज नेफ्थलीन। हम इसे डिनोट करेंगे WB से और ये दिया है आपको 0.5126 यूनिट है ग्राम। मोलर मास इसका दिया है, ठीक है, तो हम वो भी लिख देते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज नेफ्थलीन, डिनोट करेंगे हम MB से और वो दिया है स्टूडेंट्स आपको कितना 128 ग्राम, ओके। देन इज डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी आपको सॉल्वेंट का वेट दिया है, तो मैं यहां पर लिखता हूं वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो हमने यहां पे लिखा वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, डिनोट करेंगे हम इसे WA से और वो दिया है कितना 50 ग्राम, ओके। अब इसे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा 15 × 10^-3, ये हो जाएगा 0.05 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। बाद में बोला द अमाउंट ऑफ 0.6126 ग्राम ऑफ एन अननोन सोल्यूट, यानी आपको और एक सोल्यूट दिया है जिसका नाम तो पता नहीं है बट वो अननोन है और उसका वेट आपको दिया है, तो मैं यहां पर लिखूंगा वेट ऑफ अननोन सोल्यूट, डिनोट करेंगे हम इसे WB से। अब न्यूमेरिकल में अगर आपके पास में दो बार WB आता है तो आपको कंफ्यूजन होगा, ऐसी सिचुएशन में इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे WB1 से और ये WB2 से। WB2 का जो वेट दिया है वो दिया है 0.6126 ग्राम, ठीक है, ऑफ एन अननोन सोल्यूट इज डिजोल्व इन द सेम मास ऑफ CCl4, यानी सॉल्वेंट का वेट सेम है, तो मैं फिर से WA1 और WA2 नहीं लिखूंगा। बाद में द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर फाउंड टू बी, यानी पहले का जो सॉल्यूशन जो बना था यानी नेफ्थलीन जब ऐड किया था तब जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था वो था 0.402 केल्विन, तो मैं यहां पर लिखता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम इसे डिनोट करेंगे डेल्टा TB1 से, क्योंकि ये नेफ्थलीन के सॉल्यूशन के लिए था, वो है 0.402 केल्विन। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये सामने के स्टेटमेंट में लिखा है, रेस्पेक्टिवली कहा है, इसका मतलब वो वैल्यू नेफ्थलीन के सॉल्यूशन के लिए है और ये वाली वैल्यू अननोन सॉल्यूट के लिए है, ठीक है, तो मैं
ये डेल्टा टी भी वन हो गया. उसके बाद में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी बी टू ये लिखेंगे, वो दिया है आपको 0.647 यूनिट आएगा स्टूडेंट्स केल्विन. ठीक है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट. ठीक है, तो हम लिख देते हैं मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, डिनोट करेंगे हम इसे एम बी से. अब ये है आपका मोलर मास नेफ्थलीन का, इसलिए एम बी वन और ये एम बी टू हो जाएगा. इसका आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, न्यूमेरिकल काफी बड़ा है बट पहचानना भी उतना ही आसान है और सॉल्व करना भी काफी आसान है. अगर आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल दिए हैं जिसमें कहा गया है कि दो सॉल्यूशन है, पहला नोन और दूसरा अननोन, और आपको अननोन सॉल्यूशन का मोलर मास कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, तो ये समझ जाना है आपको कि पहला जो गिवन डेटा आपको दिया है उसके बेसिस पे आपको केबी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. उस वो केबी का वैल्यू आपको डेल्टा टीबी टू के फॉर्मूले में पुटअप करना है और एमबी टू कैलकुलेट करना है. तो पहला मेथड क्या रहेगा, डेल्टा टीबी वन का फॉर्मूला लगाए, उससे आप केबी का वैल्यू फाइंड आउट करें, वो केबी का वैल्यू डेल्टा टीबी टू के फॉर्मूले में पुटअप करें और एमबी टू कैलकुलेट करें. ये काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. मैं शॉर्ट मेथड बताता हूं, उस पर भी मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, आपको मैं ये शॉर्ट मेथड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सॉल्वेंट का वेट सेम है. ठीक है, और केबी अगर आप डेल्टा टीबी वन के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और वो डेल्टा टीबी टू में रखेंगे तो वो भी तो सेम ही हो जाएगा ना. ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट पॉइंट फॉर नेफ्थलीन, फॉर नेफ्थलीन अंडरलाइन कर देना है, और आपको लिखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन एज. क्या फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा टी बी वन इक्वल्स टू के बी इन टू डब्ल्यू बी वन अपॉन एम बी वन इंटू डब्ल्यू ए वन. लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट बोला है सेम मास ऑफ सी सी एल फोर, यानी सॉल्वेंट का वेट दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम है, सिर्फ सॉल्यूट की क्वांटिटी चेंज है. ये हो गया हमारा इक्वेशन वन. ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट वो आएगा फॉर अननोन सॉल्यूट, अंडरलाइन कर देना है और लिखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन एज. क्या फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा टी बी टू इक्वल्स टू के बी इन टू डब्ल्यू बी टू अपॉन एम बी टू इंटू डब्ल्यू ए इन के जी. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू. ध्यान दीजिए, आपको डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये चेंज हुआ है, के बी का वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, डब्ल्यू बी वन ये चेंज हुआ है, नेफ्थलीन का वैल्यू अलग है, अननोन सॉल्यूट का वैल्यू अलग है, मोलर मास नेफ्थलीन का अलग है, अननोन सॉल्यूट का हमें कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम है, तो मैंने इसे डब्ल्यू ए वन और डब्ल्यू ए टू नहीं लिखा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन और टू को हम डिवाइड करेंगे, देयर फोर यहां लिखते थे. ठीक है, कोई इशू नहीं, देयर फोर डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देयर फोर डेल्टा टी बी वन अपॉन डेल्टा टी बी टू इक्वल्स टू. अब आपको पहले डेल्टा टी बी वन का पूरा वैल्यू यानी फॉर्मूला लिख लेना है, के बी इन टू डब्ल्यू बी वन अपॉन एम बी वन इन टू डब्ल्यू ए इन के जी. ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय के बी इन टू डब्ल्यू बी टू डिवाइडेड बाय एम बी टू इन टू डब्ल्यू ए इन के जी. अब ये फॉर्मूले देखिए, के बी और के बी कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे बचेगा क्या स्टूडेंट्स, डेल्टा टी बी वन अपॉन डेल्टा टी बी टू इक्वल्स टू ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचा है डब्ल्यू बी वन अपॉन एम बी वन, ये हो जाएगा इनवर्स यानी
एम बी टू अपॉन डब्ल्यू बी टू, ठीक है, क्योंकि ये तो इनवर्स में चला जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है एम बी टू, तो क्यों ना ये पूरे टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। देयर फोर एम बी टू इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा टी बी वन इंटू एम बी वन इंटू डब्ल्यू बी टू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी वन, ठीक है, इंटू ये डेल्टा टी बी टू। अब वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं, डेल्टा टी बी वन का वैल्यू, ठीक है चलो देख लेते हैं, डेल्टा टी बी वन का वैल्यू 0.402 इंटू एम बी वन का वैल्यू, मैं थोड़ा सा वहां पे लॉग कैलकुलेशन आएगा इसलिए मैं यहां लिख देता हूं। देयर फोर एम बी टू इक्वल्स टू डेल्टा टी बी वन का वैल्यू है 0.402 इंटू एम बी वन का वैल्यू ये है 128 इंटू डब्ल्यू बी टू का वैल्यू, डब्ल्यू बी टू का वैल्यू 0.6126 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी वन का वैल्यू, यह आता है स्टूडेंट 0.5126 इंटू डेल्टा टी बी टू का वैल्यू, डेल्टा टी बी टू 0.647। अब इतना बड़ा लॉग कैलकुलेशन के अलावा, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो लॉग कैलकुलेशन के अलावा आप कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना है 0.402 का लॉग लेना है जो कि बार 1.6042, उसमें 128 का भी लॉग लेना है 2.1072 और 0.6126 का लॉग बार 1.7871। ये तीनों के लॉग को हम ऐड करेंगे तो वो आता है 1.4985। ये हो गया न्यूमरेटर के लॉग का कैलकुलेशन यानी एडिशन। उसके बाद में 0.5126 का लॉग और 0.647 का लॉग ये भी हम ऐड कर लेंगे तो इसका एडिशन आएगा बार 1.5206। ये जो है 1.4985 ये है न्यूमरेटर के लॉग का एडिशन और ये है बार 1.5206 ये डिनोमिनेटर के लॉग का एडिशन। तो हम क्या करेंगे 1.4985 में से बार 1.5206 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 1.9779 और आपका फाइनल कैलकुलेशन का आंसर आता है 95.03। तो आपने इस तरीके से अननोन सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स ग्राम। तो ऐसे जो बड़े न्यूमरिकल्स होते हैं इससे डरे नहीं आप, ये न्यूमरिकल काफी आसान होते हैं बट समझने की जरूरत है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमरिकल नंबर 39। इफ द एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है, तो गिवन में फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया, फर्स्ट पॉइंट एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट फॉर वाटर, हम इसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स केबी से और इसका वैल्यू होता है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है, ओके। फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन डिनोट करेंगे हम इसे टी बी से और ये आपको फाइंड आउट करना है। कंटेनिंग 4.5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट दिया है आपको सोल्यूट का जो कि रहेगा ग्लूकोज, तो वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज ग्लूकोज डिनोट करेंगे हम इसे डब्ल्यू बी से और वो दिया है 4.5 ग्राम, ठीक है, और सॉल्वेंट का भी वेट दिया है तो वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर हम इसे डिनोट करेंगे डब्ल्यू ए से जो कि दिया है 100 ग्राम बट होना चाहिए किलोग्राम में तो हम इसे लिखेंगे 0.1 केजी, ये हो गया डब्ल्यू ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पे एक बात, यहां पे गिवन डेटा में मोलर मास दिया नहीं आपको सॉल्यूट का बट आपको पता है कि ग्लूकोज है तो आप मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था। तो फिफ्थ पॉइंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज ग्लूकोज, तो मोलर मास ग्लूकोज का अगर कैलकुलेट करना है तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं 180 ग्राम होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है तो आपको 6C6H12O6 इसका मोलर मास के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब जाके 180 आंसर आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपको डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है
तो सबसे पहले डेल्टा टी बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर डेल्टा टी बी में टी बी माइनस टी बी जीरो का फॉर्मूला पुट अप करके फिर टी बी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए डेल्टा टी बी का वैल्यू पुट अप करना है, देयरफॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी, ठीक है। अब वैल्यूज पुट अप कीजिए, के बी का वैल्यू है 0.52 इंटू डब्ल्यू बी है 4.5 डिवाइडेड बाय एम बी 180 इंटू 0.1 डब्ल्यू ए 0.1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़े से पॉइंट को हम चेंजेस कर देते हैं, 0.50 को हम लिखेंगे 52 इंटू 10^-2, 4.5 को लिखेंगे 10^-1, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 52 मल्टीप्लाइड बाय 45 इंटू 10^-3 डिवाइडेड बाय 180 का ये जो जीरो है और ये 0.1 ये कैंसिल कर देते हैं डिवाइडेड बाय 18। अगर आप 0.45 को 52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 2340 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। ये आया डेल्टा टी बी का आंसर इंटू 10^-3। अब आंसर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2340 का लॉग लेना पड़ेगा जो कि आता है 3.3692, उस लॉग में से 18 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे जो कि आता है 1.2552, सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 2.1140 और जब आप फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं वो होता है 130 इंटू 10^-3 ये है, तो इसे हम शिफ्ट कर देते हैं डिजिट्स में, तो 0.13 यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स केल्विन, ये आया डेल्टा टी बी। अब एज वी नो दैट, क्या पता है आपको कि डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको टी बी कैलकुलेट करना है तो टी बी जीरो को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टी बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बी प्लस टी बी जीरो, डेल्टा टी बी का वैल्यू आया 0.13 प्लस टी बी जीरो यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको दिया 373.15, तो 373.15 ये हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। 5 और 3 ये 8 हो गए, 1 और 1 2 हो गया 0.373 यूनिट आएगा स्टूडेंट्स केल्विन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो कि आया 373.28 केल्विन, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, चलो देखते स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 14। व्हेन 3.24 इंटू 10^-3 किलोग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन, इसका मतलब आपको सल्फर यहाँ पे सॉल्यूट है और सॉल्यूट का वेट आपको दिया है, ठीक है। तो हम गिवन में लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज सल्फर, हम इसे डिनोट करेंगे डब्ल्यू बी से और ये दिया है आपको 3.24 इंटू 10^-3 किलोग्राम, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 3.24 ग्राम, ठीक है। बस आपको 10^-3 ही कैंसिल कर देना है। इज डिसॉल्व्ड इन 40 ग्राम ऑफ C6H6 यानी बेंजीन, तो आपको उसका भी वेट दिया है, वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज बेंजीन यानी C6H6, डिनोट करेंगे हम इसे डब्ल्यू ए से, वो दिया है आपको स्टूडेंट्स 40 ग्राम, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 0.04 किलोग्राम, ठीक है, ये आ गया डब्ल्यू ए। ओके एंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी, आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिनोट करेंगे डेल्टा टी बी से और वो दिया है आपको 0.81 केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, जैसे कि हमने इसके पहले जो फॉस्फरस का एक फॉर्मूला था, फॉस्फरस का एक न्यूमेरिकल था वो हमने सॉल्व किया था,
ये न्यूमरिकल भी सेम वैसा ही है, वहां का पैटर्न आपको यहां पे भी अप्लाई करना है। आप ये वीडियो को पॉज कर लीजिए, गिवन डेटा देख लीजिए, आप आंसर कैलकुलेट कर लीजिए, बाद में वीडियो के एंड में देखिए कि मेरा आंसर और आपका आंसर बराबर आता है या नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर आपको कैलकुलेट करना है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, केबी दिया है बेंजीन के लिए, तो हम इसे लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर बेंजीन यानी C6H6 डिनोट करेंगे हम केबी से, और वो दिया है स्टूडेंट्स 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स। करेक्ट, एटॉमिक मास भी दिया आपको सल्फर का, तो हम यहां पर लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सोल्यूट या फिर सल्फर लिख दीजिए डायरेक्ट सल्फर, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और ये आपको दिया 32 ग्राम। ठीक है, चलो अभी फॉर्मूला लगा के वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, तब जाके आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं 7 पॉइंट मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज सल्फर, ये रिप्रेजेंट करेंगे हम एमबी से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं स्टूडेंट्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी। ठीक है, अब आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो ये टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और डेल्टा टी बी को राइट में, तो फिर चेंजेस कुछ इस तरह से आएंगे, एम बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी। अब वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं, के बी जो आपको दिया बेंजीन के लिए वो है 2.53 इंटू डब्ल्यू बी जो आपको दिया स्टूडेंट्स ये है 3.24, सो 3.24 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी जो है वो आपको डायरेक्ट दिया 0.81, तो ये 0.81 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है किलोग्राम में ये 0.04, तो 0.04। अब थोड़ा पॉइंट को हम चेंजेस कर देते हैं, ये दो डिजिट्स और ये दो डिजिट्स, ये हो जाएगा 253 मल्टीप्लाइड बाय 324 इंटू 10⁻⁴। ये आपको समझ में आ गया होगा, दो दो डिजिट्स में 10⁻² में शिफ्ट कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। इसे भी सेम वैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 81 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम 324 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो फिर आपका आंसर आता है 253 इंटू 8 4 32 एंड 4 1 4 डिवाइडेड बाय अगेन 81, ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया, तो ये आया 253 यूनिट ग्राम, तो ये मोलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी आसान था, तुम लॉग कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब हम मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, देयरफॉर मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, मोलर मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। ठीक है, चलो वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, तो मोलिकुलर फॉर्मूला अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मोलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया वो है 253 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास आपको दिया है वो है 32 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 32। अब आप तो वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं बट फिर भी लॉग कैलकुलेशन हम करेंगे। अब इसका आंसर देखते हैं, इसके लिए 253 के लॉग को लेना है जो कि 2.4031 है, उसमें से 32 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर आता है 0.8980 और फाइनल आंसर आता है 7.9। तो 7.9 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 8, तो जैसे फॉस्फोरस का 4 आया था वैसे सल्फर का
8 आता है तो फॉस्फरस टेट्राएटोमिक हुआ और सल्फर ऑक्टाएटोमिक हुआ। ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, ये लास्ट में आपने लाइन लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप ये भी लिखकर ऐसा छोड़ सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। ध्यान में रखिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो पढ़ते स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 41 न्यूमेरिकल में कहा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 × 10⁻²⁺ किलोग्राम ऑफ यूरिया। ध्यान में रखिए 10⁻²⁺ लिखा है, -3 नहीं। तो 41 के न्यूमेरिकल में गिवन में फर्स्ट पॉइंट वेट दिया है आपको सोल्यूट का, सो वेट ऑफ सोल्यूट एंड दैट इज यूरिया, हम इसे डिनोट करेंगे WB से, और वो दिया है 1.25 × 10⁻²⁺ किलोग्राम। इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12.5। अब ये कैसे आया तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। 1.25 × 10⁻²⁺ किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करते तो 10⁻³ लगेगा, 10⁻³ और 10⁻², ये बजेगा 10⁻⁕। तो मैंने एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने ग्राम, ठीक है। ये छोटी छोटी स्टेप्स को आप सीख लेना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 170 सीएम क्यूब ऑफ वाटर, सीएम क्यूब ये वॉल्यूम का यूनिट है, तो आपको वॉल्यूम दिया है सॉल्वेंट का, सो वॉल्यूम ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर, हम इसे डिनोट करेंगे वी ए से, और वो दिया है 170 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इफ केबी फॉर वाटर, यानी केबी दिया है वाटर के लिए, उसको कहेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर वाटर इक्वल्स टू केबी, ये आया 0.52 केल्विन केजी, यूनिट रहेगा इसका मोल इनवर्स, ठीक है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ब्रैकेट में आपको दिया है स्टूडेंट्स डेंसिटी वाटर का, जो कि होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट इज वाटर, हम इसे डिनोट करेंगे डी ए से, वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया, तो आपको समझ जाना है और आप समझ भी गए होंगे कि आपको वेट कैलकुलेट करना है, सो वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट इज वाटर, डिनोट करेंगे हम इसे डब्ल्यू ए से। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी है 1, वॉल्यूम है 170, ठीक है, और ये हो जाएगा 170 यूनिट आएगा ग्राम, इसे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में तो ये हो जाएगा 0.17 किलोग्राम, ये हो गया डब्ल्यू ए। अब सभी वैल्यूज आपको दी है, अब हम डेल्टा टीबी को कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू डब्ल्यूबी, मैंने एक वैल्यू लिखी नहीं है, ठीक है, आप सोचिए कौन सी, तो डब्ल्यू ए इन केजी, ठीक है। अब आपको डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है, कौन सी वैल्यू हमने गिवन डेटा में नहीं लिखी और यहाँ पे भी दिया नहीं है, ठीक है, आपको समझ जाना है। इसके पहले के न्यूमेरिकल अगर आपने पढ़े होंगे मेरे वीडियोज़ के तो आपको पता होगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू जो आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। न्यूमेरिकल्स में गिवन डेटा में वो वैल्यू दी होती है बट मैं जानबूझकर आपको नहीं देता हूँ ताकि आप खुद कैलकुलेट कर सके, ठीक है। के बी दिया है, डब्ल्यू बी दिया है, डब्ल्यू ए दिया है, एम बी नहीं दिया है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो सेवन पॉइंट हम लिखते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज यूरिया, मैंने आपको बताया था मोलर मास सोल्यूट का क्या है, ये होता है 60 ग्राम, एसिटिक एसिड का और यूरिया का मोलर मास सेम होता है, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो के बी आपके पास में है 0.52 × WB, यह आया था 12.5 डिवाइडेड बाय एम बी, आपने कैलकुलेट किया वो आया 60 ग्राम,
मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए जो आपने कैलकुलेट किया डब्ल्यू ए 0.17 तो 0.17 ठीक है। अब हम पॉइंट को शिफ्ट नहीं करेंगे जैसे कि वैसे रहने देते हैं तो 0.52 इंटू 12.5 बस मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर देता हूँ ठीक है। ये जो 0.17 है इसे मैं लिखूंगा 6 इंटू 1.7 ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया 60 का जो एक जीरो है उसे और ये पॉइंट को एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे 0.52 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 1.7 को 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है। देन 6 7 42 कैरी 4 6 1 6 + 4 10 तो ये आया 10.2। अब हमें लॉग कैलकुलेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए हमें 0.52 का लॉग लेना है जो कि आता है 12.7160, 12.5 का भी लॉग लेना है जो कि है 1.0969। ये दोनों लॉग को हम एडिशन करेंगे तब आएगा 0.8129। इस एडिशन में से 10.2 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे जो कि है 1.0086। सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 12.8043 और आपका फाइनल आंसर आता है 0.6372 यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स केल्विन। ध्यान रखिएगा काफ़ी आसान न्यूमेरिकल था आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो देखते स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 42 न्यूमेरिकल में अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.02 × 10⁻³ किलोग्राम ऑफ नेफ्थलीन यानी आपको फिर से सोल्यूट का वेट दिया है तो यहाँ पे गिवन में फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं वेट ऑफ सोल्यूट चलो देखते स्टूडेंट नंबर न्यूमेरिकल नंबर 42 में कहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.02 × 10⁻³ किलोग्राम ऑफ नेफ्थलीन यानी आपको सोल्यूट का फिर से वेट दिया है ठीक है और ब्रैकेट में आपको मोलर मास भी दिया है तो दोनों टर्म हम एक साथ लिख लेंगे। तो गिवन में फर्स्ट पॉइंट वेट ऑफ सोल्यूट एंड दैट इज नेफ्थलीन हम इसे डिनोट करेंगे डब्ल्यू बी से और वो दिया है 1.02 × 10⁻³ किलोग्राम ठीक है। साथ में ब्रैकेट में आपको मोलर मास भी दिया है नेफ्थलीन का तो वो भी लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज नेफ्थलीन तो ये भी एम बी से डिनोट करेंगे और वो दिया है आपको 128 ग्राम ठीक है। इज डिजॉल्व इन 0.1 किलोग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी आपको सॉल्वेंट का वेट दिया है जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट इज CCl4 डिनोट करेंगे डब्ल्यू ए से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं ऑलरेडी किलोग्राम में दिया है तो वैसे लिख देंगे। शोज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया है ओके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिनोट करेंगे डेल्टा टीबी से और वो दिया है 0.4 केल्विन। कैलकुलेट द एलिवेशन कांस्टेंट फॉर CCl4 ठीक है तो हम यहां पर लिखेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर CCl4 हम इसे डिनोट करते हैं के बी से और आपको ये कैलकुलेट करना है ठीक है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप कर लेते हैं क्योंकि गिवन डेटा में सभी वैल्यूज आपको दिए देयरफॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन एज क्या फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी ठीक है। के बी कैलकुलेट करना है तो पूरे टर्म्स को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे देयरफॉर के बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं देयरफॉर या फिर चलो नीचे में लिख लेते हैं
केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 0.4 इंटू एमबी, यह है 128 इंटू डब्ल्यू ए कितना है, यह है 0.1 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी, यह है 1.02 इसे किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने भूल गए, ये आएगा 1.02 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, ये जो वन है और ये इसे हम ना शिफ्ट कर देते, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 इंटू 128 इंटू 10 टू पावर माइनस वन और माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय 102 इंटू 10 टू पावर माइनस टू। ठीक है, मैंने ये दो डिजिट्स को राइट में शिफ्ट किया, इसे भी राइट में शिफ्ट किया, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, 128 मैं फिर से ये स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे रिपीट, 4 इंटू 128 डिवाइडेड बाय 102। ठीक है, 10 टू पावर माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। अब 128 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देन 8 फोर ज़ा 32 कैरी 3, 4 टू ज़ा 8 प्लस 3 11 प्लस 1 कैरी 1, 4 वन ज़ा 4 प्लस 1 5, इट्स अ 512 डिवाइडेड बाय 102। अब आपको सिंपली लॉग कैलकुलेशन करना है, इसके लिए आपको 512 का लॉग लेना पड़ेगा। चलो, तो 512 का लॉग आता है 2.7092, उस लॉग में से 102 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 2.0086 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद में आंसर आता है 0.7006 और फाइनल आपका एंटी लॉग आता है 5.018 यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। आप मेन आंसर को बॉक्स करना ना भूले, ये न्यूमेरिकल काफ़ी आसान था, आप लिख लीजिए। चलो देखते स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 43। 43 न्यूमेरिकल में कहा है कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन, यानी आपको ग्लूकोज का वेट कैलकुलेट करना है और ग्लूकोज सोल्यूट है, सो वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज ग्लूकोज, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू बी से और ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंट इन 0.1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट का वेट आपको दिया है, तो वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर, हम इसे डिनोट करेंगे डब्ल्यू ए से और ये है 0.1 kg, तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे रखना है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, चलो ठीक है, ये भी वैल्यू दी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टीबी से और वो दिया है 373.67 केल्विन, केबी फॉर वाटर वो भी दिया है, उसे हम लिखते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, सो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल्स टू केबी, वो होता है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, बाद में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट का भी बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर, ये आपको रिप्रेजेंट करना है टीबी नॉट से या फिर टीबी ओ से, वो दिया है 373.15 केल्विन। ठीक है, मोलर मास आपको दिया है ग्लूकोज का, एक्चुअली देना तो नहीं चाहिए था बट ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज ग्लूकोज, डिनोट करेंगे हम इसे स्टूडेंट्स एम बी से और ये दिया है आपको 180 ग्राम। ठीक है, ये देखिए 180 ग्राम दिया है। अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पहले ही लिख कर रख देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट या फिर टीबी माइनस टीबी जीरो। ठीक है, टीबी आपके पास में है कितना 373.67 माइनस 373.15। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 373.67 में से 373.15 को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सात में से पाँच गए दो बचते हैं, देन छः में से एक गया तो पाँच बचते हैं, तो 0.52 हुआ, तो ये आया 0.52 यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स केल्विन,
ठीक है, ये डेल्टा टीबी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी। अब आपको डब्ल्यू बी कैलकुलेट करना है तो पूरे टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, देयर फोर डब्ल्यू बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी डिवाइडेड बाय के बी। ठीक है, चलो वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। डेल्टा टी बी का वैल्यू है 0.52, एम बी है 180 मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए है 0.1 एंड डिवाइडेड बाय के बी का वैल्यू ऑलरेडी है 0.52। 0.52 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो गया, 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 ये हो गया 18। लॉग कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी और सिंगल स्टेप में आपका आंसर आ गया। ये है सोल्यूट का वेट, ग्लूकोज का वेट। ठीक है, आप इसे नोट आउट कर लीजिए। चलो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमरिकल नंबर 44। ये इस वीडियो का सेकंड लास्ट न्यूमरिकल है। ठीक है, 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। चलो ठीक है, आपको सोल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट दोनों एक साथ दिए हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं गिवन में फर्स्ट पॉइंट, यहां पे गिवन में फर्स्ट पॉइंट वेट ऑफ सोल्यूट एंड दैट इज यूरिया। डिनोट करेंगे हम इसे डब्ल्यू बी से जो दिया है आपको 3 ग्राम। ठीक है, इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर यानी आपको दिया है सॉल्वेंट का वेट, वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट इज डब्ल्यू सॉरी वाटर। डिनोट करेंगे हम डब्ल्यू ए से और वो दिया है 100 ग्राम, बट आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में तो ये हो जाएगा 0.1 किलोग्राम, ये डब्ल्यू ए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सुक्रोज टू बी डिजॉल्व यानी आपको दूसरे सोल्यूट का वेट कैलकुलेट करना है, इसका मतलब मैं समझ गया हूं कि ये डब्ल्यू बी 1 होगा। आपको दूसरे सोल्यूट का वेट कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सोल्यूट और वो है सुक्रोज, दैट इज सुक्रोज। डिनोट करेंगे हम डब्ल्यू बी 2 से और ये आपको फाइंड आउट करना है। इज डिजॉल्व इन द 300 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको सॉल्वेंट का भी वेट दिया है, वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट इज सॉल्वेंट सेम है वाटर। डिनोट करेंगे डब्ल्यू ए, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये दिया है 300 ग्राम, तो फाइनली ये हो जाएगा डब्ल्यू ए 2 इक्वल टू 0.3 किलोग्राम। ठीक है, सच दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द सोल्यूशन वुड बी द सेम यानी आपको क्या करना है, 3 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व करना है 100 ग्राम ऑफ वाटर में और सुक्रोज आपको कितना डिजोल्व करना पड़ेगा तब जाके यूरिया सोल्यूशन का और सुक्रोज सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये इक्वल आएगा। तो आपको वो अमाउंट कैलकुलेट करना है सुक्रोज का जो दोनों सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को इक्वल लाए। ठीक है, तो चलो इसे कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। ब्रैकेट में मोलर मास दिया है आपको, वो लिख लेते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज यूरिया, रिप्रेजेंट करेंगे एम बी 1 से और ये होता है 60 ग्राम। उसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज सुक्रोज। डिनोट करेंगे हम एम बी 2 से और वो होता है 342 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मैं यहां पर लिखता हूं। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ या फिर आफ्टर कैलकुलेटिंग वेट ऑफ सुक्रोज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द सॉल्यूशन
will be same. And boiling point of pure solvent is also same. So, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर आपने सुक्रोस का अगर वेट कैलकुलेट कर लिया तो यूरिया सॉल्यूशन का और सुक्रोस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये इक्वल आ जाएगा और वाटर दोनों के लिए सॉल्वेंट, दोनों सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट ये सेम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ही है. तो सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम आ गया, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी सेम है, तो डेल्टा टीबी भी तो सेम ही हो जाएगा ना दोनों सॉल्यूशन के लिए. इसलिए ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ सुक्रोस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द सॉल्यूशन विल बी सेम एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑल्सो सेम. सो डेल्टा टीबी वन इक्वल्स टू डेल्टा टीबी टू हो जाएगा. ठीक है, डेल्टा टीबी वन का फॉर्मूला क्या आएगा, केबी वाटर के लिए है और दोनों सॉल्यूशन में वाटर ही सॉल्वेंट है, तो केबी वन नहीं लिखेंगे, टू नहीं लिखेंगे, सिर्फ केबी लिखेंगे. डब्ल्यू बी वन लिखेंगे डिवाइडेड बाय एम बी वन इंटू डब्ल्यू ए इन के जी. अब डब्ल्यू ए पहले सॉल्यूशन के लिए अलग है, दूसरे सॉल्यूशन के लिए अलग है, इसलिए डब्ल्यू ए वन यहां पर लिखेंगे केबी इंटू डब्ल्यू बी टू डिवाइडेड बाय एम बी टू इंटू डब्ल्यू ए टू इन के जी. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया. ऐसे सिचुएशन में के बी कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइंड आउट करना है डब्ल्यू बी टू, ये टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए. देयर फोर डब्ल्यू बी टू इक्वल्स टू डब्ल्यू बी वन इंटू एम बी टू इंटू डब्ल्यू ए टू इन के जी, डिवाइड में रहेगा एम बी वन इंटू डब्ल्यू ए वन इन के जी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, फिर डब्ल्यू बी टू कैलकुलेट कर सकते हैं. डब्ल्यू ए वन है 0.1 इंटू एम बी टू यानी सुक्रोस का सॉल्यूशन का मोलर मास 342 इंटू डब्ल्यू ए टू ये है 0.3 डिवाइडेड बाय एम बी वन ये है 60 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए वन. ठीक है, डब्ल्यू ए वन कहाँ पे है, ये 0.1 है, तो 0.1. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, सभी वैल्यूज एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं. डब्ल्यू बी टू वही पे रखा, डब्ल्यू बी वन मल्टीप्लाइड बाय एम बी टू इंटू डब्ल्यू ए टू है, ठीक है, डिवाइड बाय एम बी वन इंटू डब्ल्यू ए वन. अब हम वैल्यूज देख लेते, बराबर हमने वैल्यू पुटअप किए नहीं. डब्ल्यू बी वन ये है 3 ग्राम, ओ सॉरी ये देखिए गलत हुआ रहता, तो ये है 3 ग्राम. ओके, एम बी टू 342 बराबर है डब्ल्यू ए टू, ये है 0.3, डब्ल्यू ए टू 0.3 है, डिवाइडेड बाय एम बी वन ये 60 ग्राम है इंटू डब्ल्यू ए वन, डब्ल्यू ए वन है 0.1 ग्राम. तो देखिए स्टूडेंट, ऐसी गलतियाँ हो सकती है, तो ऐसी गलती ना हो इसलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेना है. अब पॉइंट को थोड़ा सा हम चेंज कर देते, ये हो जाएगा ऊपर में जाएगा तो 3 इंटू 342 इंटू 3. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये जो जीरो है मैं इसे लिखता हूं डिवाइडेड बाय 6 और ऊपर में लिखता हूं 10^-1. ठीक है, क्योंकि 62 को हम कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 10^1 और 10^1 जब ऊपर जाएगा तो 10^-1. ये मैंने जानबूझ के किया, ऐसा क्यों ये आपको अभी पता चलेगा. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय, अब 342 को हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, चलो डिवीजन में कितना आता है वो देख लेते हैं. ठीक है, 6 5 30 कैरी 4 वो 42 हो गया, 6 6 7 42 ठीक है 57 आया, इंटू 10^-1 लिखना ना भूले. अब आपको क्या करना है, 57 को 9 से मल्टीप्लाई, चलो 57 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 ये 51 ये आया, 513 इंटू 10^-1 ये हो जाएगा 51.3, ये डब्ल्यू बी टू है इसलिए यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स ग्राम. ठीक है, ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है, लॉग कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़े, बट थोड़ा सा ये ऐसे सिचुएशन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. चलो देखते हैं स्टूडेंट इस वीडियो का और इस टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 45.
कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ एन इम्प्यूरिटी. चलो ठीक है, तो आपको गिवन डेटा में वेट कैलकुलेट करना है सोल्यूट का. सो वेट ऑफ सोल्यूट, अब वो कौन है वो तो पता नहीं, इसलिए हम इसे वैसे रहने देते. वेट ऑफ सोल्यूट को डिनोट करेंगे डब्ल्यू बी से, और ये आपको फाइंड आउट करना है. जिसका मोलर मास आपको दिया है 100 ग्राम पर मोल, तो वो हम लिख देते हैं. सो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है पता नहीं, इसलिए एम बी, और ये है 100 ग्राम पर मोल. विच वुड बी रिक्वायर टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 50 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी आपको सॉल्वेंट का वेट दिया है, वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज क्लोरोफॉर्म. हम इसे डिनोट करेंगे डब्ल्यू ए से, और वो दिया है 50 ग्राम. अब हमें तो ये ग्राम में नहीं चाहिए, ये किलोग्राम में चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.05 किलोग्राम, यानी डब्ल्यू ए. ठीक है, विच वुड बी रिक्वायर टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 50 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय 0.32 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया है. तो मैं लिखूंगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 0.32 डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए से 273 में ऐड करेंगे 0.32, तो ये हो जाएगा 273.32 केल्विन. ये हो गया स्टूडेंट डेल्टा टी बी. ठीक है, अब आपको के बी दिया है तो वो भी लिख देते हैं. उसे कहते हैं हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. हम इसे डिनोट करेंगे के बी से, और वो दिया है आपको 3.63 केल्विन के जी मोल इनवर्स. ठीक है, अब हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी. ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है डब्ल्यू बी, तो पूरे टर्म्स को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे. देयरफॉर डब्ल्यू बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी डिवाइडेड बाय के बी. ठीक है, अब डेल्टा टी बी का वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर लिया, वो आया है 273.32, मोलर मास है 100 ग्राम इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट है 0.05 डिवाइडेड बाय 3.63. ठीक है, ये है आपका के बी का वैल्यू 3.63. अब थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ये हो जाएगा 273.32 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3.63. काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है. 273.32 को अभी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे अलग से करता हूँ, आप भी कीजिए. 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15 प्लस 1 16 कैरी 1 अगेन, 5 3 35 प्लस सॉरी 5 3 15 प्लस 1 अगेन 16 कैरी 1, 7 5 35 प्लस 1 36 कैरी 3, 5 2 10 प्लस 3 इज 13, 1 3 66.60. सो 1 3 66.60 डिवाइडेड बाय 3.63. अभी काफ़ी आसान है, आपको लॉग कैलकुलेशन करना पड़ेगा. उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 1 3 66.6 का लॉग लेंगे, 3.1356 आता है. उस लॉग में से 3.63 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि 0.5599 है. सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 2.5757, और जब आप एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है 376.4 यूनिट रहेगा स्टूडेंट इसका ग्राम. ये हो गया आपके इस वीडियो का और इस टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल. ध्यान में रखिए, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आप इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बाद में लिख लीजिए ऐसे आराम से. एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखने लायक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल 50-60-70% काफी आसान हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, एक दो टर्म्स जो है वो थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी सेम रहेगा. तो इस न्यूमेरिकल को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कीजिए, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल काफ़ी
आसान लगेंगे आपको। तो इसके बाद के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स, उसके बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स और बाकी एक दो जो टॉपिक बचे हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये न्यूमेरिकल आपको आसान लगते हैं तो आप सॉल्व कीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और शेयर करना ना भूले, बेल आइकॉन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।